बेटा देखो, 1953 में वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल आया। उससे ठीक 3 साल पहले 1950 में, जिस साल हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसी साल एडविन चारगैफ ने इक्विवेलेंस रूल दिया। वो जो रूल था वो डीएनए के लिए एप्लीकेबल था। उस रूल का गाना था, हम जिएंगे और मरेंगे डीएनए तेरे लिए। फिर सुनो क्या कहा मैंने, हम जिएंगे और मरेंगे डीएनए तेरे लिए। इक्विवेलेंस रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से, आंख से देखना ही नहीं है। आंखियां क्योंकि नशीली होती हैं, आंखियां जो है क्या क्या होती हैं, सीधे आप मन की आंख से देखिए, तीर लगाइए या फिर दिमाग लगाइए, क्या कहते हैं। तो ये इक्विवेलेंस रूल आता है, देखिए सबसे पहले इनके बारे में लिखिए, ये प्रपोज्ड बाई इरविन चारगैफ। ये वैज्ञानिक है, इनका नाम इरविन चारगैफ है। इन्होंने इस रूल को दिया 1950 में। 1950 में इरविन चारगैफ ने ये रूल दिया। रूल का नाम है इक्विवेलेंस रूल। ये जो रूल है ये अप्लीकेबल है, आपको ध्यान रखना है, अप्लीकेबल है फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब जो डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है उसी डीएनए के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इरविन चारगैफ ने 1950 में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए इक्विवेलेंस रूल दिया। इनके कॉन्सेप्ट क्या है आप देखें, ये कॉन्सेप्ट क्या है इनके। पहला कॉन्सेप्ट ये है इनका, कहते हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में जितने प्यूरीन का अमाउंट होता है उतना ही पिरिमिडीन का अमाउंट होता है। जितना प्यूरीन का अमाउंट होता है उतना ही पिरिमिडीन का अमाउंट होता है। ये जो प्यूरीन होता है ये ए प्लस जी है, जो पिरिमिडीन होता है ये टी प्लस सी है। मतलब जितना ए प्लस जी का अमाउंट होगा उतना टी प्लस सी का अमाउंट होगा। अब देखिए बराबरी की बात हो रही है, बराबरी जो होती है वो दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी तीन लोगों में, तीनों बराबर वालों को लोगों से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्यूरीन की बराबरी पिरिमिडीन के बराबर है, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ सुगर मॉलिक्यूल है वो जो है नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बराबर है। जितना शुगर का मॉलिक्यूल है उतना ही फास्फेट का मॉलिक्यूल होना चाहिए। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सुगर मॉलिक्यूल का अमाउंट फास्फेट अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि किसी भी डीएनए में ए प्लस टी अपान जी प्लस सी का रेशियो किसी भी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, फॉर एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के लिए इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीन बातें इरविन चारगैफ ने कही, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी कहती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कहा गया है, आपको ध्यान रखना है ये बात। एनसीईआरटी मतलब मेडिकल के टिकट में दी गई है। इसके आधार पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर आप इनके क्वेश्चंस देखिए तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, देखिए क्वेश्चन, किसी डीएनए का मॉलिक्यूल है और उस डीएनए के मॉलिक्यूल में एडेनिन जो है 30% है, आपसे पूछेगा साइटोसिन का परसेंटेज कितना है, आंसर कैसे लगाएंगे। बेटा देखो इसका अगर आपको आंसर एक्सप्लेन करना होगा कैसे आंसर हल करेंगे इसका, तो अगर आपको हल करना है तो एडेनिन अगर 30% है तो थायमिन भी कितना है, 30% है। इसका मतलब ये हुआ कि साइटोसिन प्लस क्वानिन बराबर 100 - A + T। इस तरह से आप देखेंगे कि साइटोसिन प्लस क्वानिन इज इक्वल टू 100 - 30 + 30 इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से, C + G इज इक्वल टू 100 - 60, इस तरह से हो गया C + G इज इक्वल टू 40 और आपसे पूछा है C, इसलिए 40/2 हो जाएगा 2, इस तरह से ये 20% आएगा। अगर आपसे डीएनए मॉलिक्यूल में किसी एक का परसेंटेज दिया गया तो दूसरे का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन और देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पूछा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो डीएनए है हमारा, ये जो डीएनए का मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो बड़ी साइज के डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें मान लेते हैं साइटोसिन 25% है, तो
आपसे ए का परसेंटेज पूछेगा। तो अगर आपका साइटोसिन 25% है तो आपको अगर इसका आंसर एक्सप्लेन करना हो, साइटोसिन अगर 25% है तो ग्वानिन कितना परसेंट होगा, जाहिर सी बात है 25% होगा। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस साइटोसिन प्लस ग्वानिन, तो कितना हो जाएगा, सीधे अगर लिखा जाए तो 100 माइनस 50%, और बेटा जो बचा हुआ 50% है उसमें दो लोग हैं। इस तरह से अगर आप एटिनिन का परसेंटेज देखें तो 25% आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस डीएनए में एटिनिन का मॉलिक्यूल का परसेंटेज 25% है। तेरविन चार गए, फिर 1950 में ये रूल दिया कि जितना प्यूरिन का अमाउंट होता है उतना पिरिमिडिन का अमाउंट होना चाहिए, जितना शुगर का अमाउंट उतना उतना फास्फेट का अमाउंट होना चाहिए, और जितना जितना ए प्लस टी का बेस रेशियो जी प्लस सी के लिए किसी भी जात के लिए कांस्टेंट होता है या इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखना इसका, मैं टाइप्स ऑफ डीएनए देखेगा, डीएनए के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर आप इसका टाइप की एक टेबल देखें जो आप अक्सर आपको मिल जाती है, ये देखिए टैब लिख लीजिए, डीएनए के जो टाइप है वो पहला डीएनए जिसे हम लोग ए डीएनए कहते हैं, दूसरा डीएनए जिसे हम लोग बी डीएनए कहते हैं, तीसरा है जिसे हम लोग सी डीएनए कहते हैं, इसका एक चौथा टाइप है बेटा जिसे जेड डीएनए कहते हैं। ये चार तरह के डीएनए हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। नाम देख लीजिए, ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, डी डीएनए, जेड डीएनए है। तो अब आप इसके टाइप में अगर आप देखें तो आप इसका यहाँ दूसरा लिखे, नंबर ऑफ बेस पेयर इन हेलिक्स, मतलब एक हेलिक्स में इसमें कितने बेस पेयर है, ये देखिए। तो अगर ए डीएनए आप देखेंगे, अगर आप ए डीएनए देखें तो इसकी एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर है, अगर आप बी डीएनए देखेंगे तो इसकी एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है, सी डीएनए देखेंगे तो इसकी एक हेलिक्स में 9.33 बेस पेयर है, और अगर आप ये देखेंगे जेड डीएनए तो इसकी एक हेलिक्स में 12 बेस पेयर है, ये देखिए। तो आप बेस पेयर के हिसाब से बता सकते हैं किस डीएनए में कितने बेस पेयर है। ए डीएनए की एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर है, बी डीएनए के एक हेलिक्स पे 10 बेस पेयर है, सी डीएनए के एक हेलिक्स पे 9.33 बेस पेयर है, और जेड डीएनए के एक हेलिक्स में 12 बेस पेयर है। मतलब ये तो बेस पेयर की कहानी है, ये देखिए। अब आपको ये देखना है कि यहां पर एक बात पॉइंट आउट करनी है, ऐसे पहले मैं टेबल बना देता हूं। आपका इसका रोटेशन देखना है, ये जो डीएनए है इनका रोटेशन कैसा है, रोटेशन कैसा है। तो पहले ये टेबल थोड़ा सा सही कर लिया जाए, ऐसे देखिए ये रोटेशन है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ हेलिक्स देख लीजिए, सारी बातें एक चीज क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ ऑफ हेलिक्स क्या है, मतलब एक हेलिक्स की लंबाई क्या है। यहाँ पर आपको एक बड़ी बात लिखनी है कि डीएनए इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डीएनए इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो डीएनए होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। वाइल, आप पूरी बात पहले लिख लें, वाइल आरएनए इज लीवो रोटेटरी, मतलब डीएनए होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर आप इस बात को सिंपली समझना चाहें तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, पोलराइज्ड लाइट जब इस पे पड़ेगी तो ये क्लॉकवाइज मूव करने की टेंडेंसी रखता है। देखिए डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके ऊपर अगर आप पोलराइज्ड लाइट डालेंगे तो जिस तरह से घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में मूव करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर आप देखें तो ये जो शुरू के तीन डीएनए हैं, ए बी सी डीएनए हैं, ये सारे के सारे डीएनए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, ऐसे लिख लीजिए, सारे के सारे डीएनए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। ये जो लास्ट वाला डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग लीबो रोटेटरी कहते हैं, ये देखिए लीबो रोटेटरी होता है। अगर आप देखें तो ये जो बी डीएनए होता है इसकी हेलिक्स में 10 बेस पेयर जो है, इसकी एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दूसरी बात लिखना चाहें कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था वो जो था बी डीएनए के लिए था, ये देखिए किस डीएनए के लिए था, बी डीएनए के लिए था। आपको ये ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात जो आपको बार बार क्वेश्चन फंसाएगा, आपको हो सकता है आपसे कोई ऐसे चलते फिरते बस स्टेशन में पूछ ले कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं बस से यात्रा कर रहे हैं और बगल में आपके अंकल बैठे हैं, बूढ़े वाले दादा,
उन्होंने पूछा बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, लिविर लिविर करेंगे, तो लिविर लिविर नहीं करना है, लिविर लिविर नहीं करना है, आपको ये बताना है कि जैसे कोई डीएनए है अंकल, इस डीएनए की पोलैरिटी है 5', बेस लिख लीजिए GAA TC, इसकी पोलैरिटी लिखिए 3', ये एक स्ट्रैंड हुआ। अगर इसका उल्टा लिखें आप 5' से, तो देखिए यहाँ हो जाएगा G, यहाँ AA, यहाँ TT और C, पोलैरिटी हो जाएगी 3'। आप इस सीक्वेंस को चाहे फॉरवर्ड पढ़ें और चाहे बैकवर्ड पढ़ें, प्रोनंसिएशन सेम है, पढ़ के देखिए GAA TT से ऐसे पढ़ेंगे, फिर जब आप ऐसे पढ़ेंगे तब भी GAA TT है, ध्यान रखें कि स्ट्रैंड पैरेलल होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए, अगर ये GAA TT है तो भी GAA TT है। इस तरह के सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इसके सिवा ये आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा, आप ये टर्म देखिए मैडम, एक टर्म देखिए लेवल, एक टर्म देखिए रोटेटर, ये सारे वो टर्म हैं जिनको आप चाहे फॉरवर्ड पढ़ें चाहे बैकवर्ड पढ़ें, सबका प्रोनंसिएशन सेम है। तो डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, जिससे चाहे फॉरवर्ड पढ़े और चाहे बैकवर्ड पढ़े प्रोनंसिएशन सेम होना चाहिए। अगर प्रोनंसिएशन सेम है तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये डीएनए का टाइप तो नहीं है, डीएनए की प्रॉपर्टी है, ये सीखना है। तीसरा और टाइप ऑफ डीएनए है, इसको भी आप सीख लें, टाइप्स ऑफ डीएनए, कुछ बचे ना, नहीं बच जाएगा तो फिर ये कायनात मुझे गाली देगी, बचना नहीं चाहिए। अगर आप टाइप्स ऑफ डीएनए का एक टाइप और देखें तो डीएनए दो तरह का है, एक डीएनए है जिसे हम लोग सर्कुलर डीएनए कहते हैं, पहले इसकी बात कर लिया जाए। तो अगर आप सर्कुलर डीएनए बनाने के मूड में हैं और सीखना चाहते हैं तो आप यहीं पर एक बात लिखते हैं कि सर देखिए अगर जो डीएनए है उसके साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इस तरह का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, ऐसे आप एक कमेंट कर लें, आपके दिमाग में सेट हो जाए, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, इसका शेप सर्कुलर होता है, ये बात सीखना है। सेल बना लीजिए, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे बनाते हैं, एक सेल बनाया आपने यहां पर ऐसे बनाया, आपने इस न्यूक्लियस का नाम लिखा कि न्यूक्लियस बना तो नहीं, ये बन रहा है, तो आपने लिखा सर ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इसके अंदर देखिए ये डीएनए पड़ा है। इसी तरह से अगर आप यहां पर देखिए इसके साइटोप्लाज्म में तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ये देखिए ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी देख लीजिए आपको तमाम चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। प्लाज्मिड जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पहली बात, दूसरा ये सर्कुलर है, सर्कुलर क्यों है वहां लिखा हुआ है ऊपर, हिस्टोन नहीं है, और तीसरी बात है ऑटोनॉमस रिप्लिकेशन है, मतलब इसके रिप्लिकेशन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग है, जब चाहेगा अपनी कॉपी बना लेगा, इसके रिप्लिकेशन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये प्लाज्मिड है। सेल कौन सी है आप लिख लीजिए, सर ये जो सेल है इस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो सारा का सारा डीएनए जो है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो सारा का सारा जो डीएनए है वो सारा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर क्यों है, लिख दीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन, लिखते जाइए हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या है, अब्सेंट है, जब हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है तो डीएनए कैसा है, शेप में सर्कुलर है, ध्यान रखना है डीएनए शेप में सर्कुलर है, डीएनए का शेप सर्कुलर है। अगर आप यहां पर एक सेल और बनाए, ऐसे एक सेल खींचे, ऐसे बनाए सेल, और फिर आप यहां पर एक न्यूक्लियस बनाने का प्रयास करें, न्यूक्लियस बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए सेल में, नहीं तो सेल का कंट्रोल बढ़ जाएगा, अगर आपके माँ बाप आपको ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो सेल घबरा जाएगी। इसी तरह से ये देखिए ये न्यूक्लियस है, अगर आप इस न्यूक्लियस के अंदर देखें बेटा तो ये न्यूक्लियोलस है और इसमें प्रेम का धागा है, इस प्रेम के धागे को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ये वही धागा है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, इसमें जीन होता है, क्रोमेटिन है ये। क्रोमेटिन में है क्या,
अगर आप क्रोमेटिन की बात करें तो ये डीएनए इसमें है, इसमें आरएनए है, इसमें हिस्टोन है। और जब डीएनए में हिस्टोन होती है, हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। हिस्टोन के साथ एक प्रोटीन यहां पर और है जिस प्रोटीन का नाम नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें चार चीजें हैं, डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये चार चीजें इस क्रोमेटिन के अंदर पड़ी है यूकेरियोटिक सेल के। अगर आपका मन और कुछ कहने का मन कर रहा है तो आप ऐसे यहां पर एक सेल बनाइए ऐसे यहां पे, फिर आप इसमें ऐसे क्रिस्टी बना दीजिए और ऐसे करके लिखने का प्रयास करिए, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। पूरी बातें आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको मन में कोई समस्या न रहे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे बनाइए और इसका नाम लिखिए, सर ये क्लोरोप्लास्ट है। आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। सेल बायोलॉजी क्लास 11 में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनॉमस लार्वा है क्योंकि इनका अपना जीनोमिक सिस्टम होता है। तो जीनोमिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आप ये समझें कि इस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए है। कौन सा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। अगर आप इस बात को समझें, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, लेकिन यहां जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है ये डीएनए लीनियर डीएनए है, ये लीनियर डीएनए है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा डीएनए सर्कुलर है, मतलब ये जो आप डीएनए देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, प्लाज्मिड का, ये पूरा का पूरा डीएनए क्या है, सर्कुलर है। ये भी डीएनए दोनों क्या है, सर्कुलर है, लेकिन न्यूक्लियस का पड़ा हुआ डीएनए सर्कुलर नहीं है। इसलिए अगर आप देखें तो आपको यहां लिखना चाहिए कि सर सर्कुलर यही इतना नहीं है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये जो दो सेल आर्कनेल है यूकैरियोटिक सेल का, इनका भी जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। ये किस सेल के हैं, आप चाहे और एक्सप्लेन कर दें कि सर ये यूकैरियोटिक सेल के डीएनए है, ये यूकैरियोटिक सेल के डीएनए है। अगर आपको लीनियर डीएनए लिखना है, आप इसका दूसरा टाइप लिखना चाहते हैं, जैसे लिखिए सर लीनियर डीएनए है। बड़ी सी बात कहिए कि सर ये डीएनए जो है कहां पे है, अगर आपको इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है कि ये न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल है, ये जो डीएनए है न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पड़ा हुआ है, ये डीएनए न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये लीनियर क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो डीएनए पड़ा है उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन है। ये देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए के टोटल टाइप कितने हैं, तो कहिए टाइप तो है दो हैं, शेप दो है, टाइप चार है। शेप कौन कौन सा दो है, एक सर्कुलर है एक लीनियर है। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा है, यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन जो लीनियर डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल के केवल न्यूक्लियस में पड़ा है। एक बात आप और कह सकते हैं कि इस सर्कुलर डीएनए को आप चाहे कह सकते हैं कि ये सर ये तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है। कैसा डीएनए है, चाहे आप ऐसे लिख देना कि सर ये तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है। अगर आपका इससे जी नहीं भरता है तो आप इसे लिख दीजिए कि सर ये तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। क्या कह रहे हैं एनकेटी ये कह रहे हैं कि इसके अलग अलग नाम भी नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो ना यार, साइटोप्लाज्मिक डीएनए है। अगर आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा है, बोलो कैसा है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। न्यूक्लियस से बाहर का डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। मतलब जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है वो लीनियर होगा, और जो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म में है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में है चाहे यूकैरियोटिक सेल में है, वो डीएनए हमेशा सर्कुलर होगा। और याद रखिएगा जैसे जैसे गाना नहीं सोनी सोनी राधा मैं तेरे बिना हूं आधा, ठीक उसी तरह से डीएनए गाता है कि अगर हिस्टोन नहीं रहेगी तो मैं सर्कुलर हो जाऊंगा और हिस्टोन रहेगी तो मैं लीनियर हो जाऊंगा। तो बेटा डीएनए जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ी साइज का मॉलिक्यूल डीएनए है, तो इसकी पैकेजिंग करनी है। छोटी सी सेल है बेचारी इतू सी, और उसमें इतना बड़ा डीएनए है उसको पैक करना है। तो आइए पैकेजिंग में आपको सिखाते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए अगर आप देखें तो ये देखिए, इसकी पहले देख लीजिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अगर आप इस डीएनए की पैकेजिंग देखें, पहले प्रोकैरियोटिक सेल में देख ले, फिर आप इसको यूकैरियोटिक सेल में देख ले। तो
अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देख ले तो ये देखिए, ये सेल है प्रोकैरियोटिक, ये इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है, ये देखिए, और दूसरा डीएनए इसके यहां पर पड़ा है। इस डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, मतलब ये डीएनए है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कह रहे हैं, और इसके ये डीएनए ये जो है न्यूक्लियस के इंसिपिएंट न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। आप सोचते होंगे सर अगर यहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए पूरी सेल में से छितराया होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डीएनए जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए उसका शेप है। और अगर आप देखें ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है वो अब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ का जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। ये बात आपको समझनी है। अब आपको ये समझना है कि जो ये डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का इज नॉट स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है इज नॉट स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म में छितराया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे साइटोप्लाज्म से फैल गया, जैसे आप बचपन में खाना ऐसे पूरी थाली में फैला देते थे, ऐसा नहीं था इस डीएनए के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डीएनए है ये खास तरह की प्रोटीन है, एक खास तरह की प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम पॉलीएमीन है। ये जो प्रोटीन है पॉलीएमीन, ये प्रोटीन जो है बेसिक प्रोटीन है, ध्यान रखना है, बेसिक प्रोटीन है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये खास तरह की बेसिक प्रोटीन है। तो ये डीएनए जो है इस डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, इस पॉलीएमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से डीएनए जो है जब पॉलीएमीन से जुड़ जाता है तो इस डीएनए का जो शेप होता है वो सर्कुलर डीएनए हो जाता है। और मैं आपको बता दूं जब डीएनए पॉलीएमीन से जुड़ जाए, हिस्टोन ना हो, तो इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि प्रोक्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या या प्रोक्रोमोसोम की संख्या प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा एक ही होगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पैक है। कैसे पैक है? डीएनए जो है किस प्रोटीन से जुड़ा है? पॉलीएमीन से जुड़ा है, ये बेसिक प्रोटीन है। इस तरह के डीएनए का शेप सर्कुलर हो जाता है और इस तरह के डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इसी को लोग जीनोफोर कहते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे पेज नंबर 99 पे इसका पूरा डिस्कशन है, इसलिए आपको ये बात आनी चाहिए कि न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या है। सिंपल सी बात है कि जब डीएनए पॉलीमीन के साथ जुड़ जाता है तो इस तरह के डीएनए का शेप सर्कुलर हो जाता है और इस तरह के डीएनए के न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए का पैकेजिंग है। अगर आप इसे यूकैरियोटिक सेल में देखें, यहां पर हेडिंग डालें पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। अगर आप डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में देखें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल में इसकी पैकेजिंग देखें तो कैसे हो रही है? ये देखिए, आपकी ये सेल है, बोलिए हाँ, इस सेल के अंदर कहीं एक जगह पर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर यूकैरियोटिक का सेल का मतलब सिंस न्यूक्लियस से है, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट से नहीं है। फिर आपने ये देखिए न्यूक्लियोलस है और इसमें ये प्रेम का धागा है, इस प्रेम के धागे को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, ये क्रोमैटिन है, हम नहीं कहते हैं, हम क्यों कहेंगे? इसे फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन कहा था, कोई साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने क्रोमैटिन कहा था। तो अगर आप इस क्रोमैटिन को देखें तो इसमें चार चीजें हैं, इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसमें जो है एक और प्रोटीन है जिसका नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। ये चार चीजें मिलके नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये चार चीजें मिलके डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस में। अब आप इस डीएनए की साइज देखें, मतलब जो न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन, उसमें जो डीएनए है उसकी क्या साइज है। तो अगर आप देखें कि अगर कोई सेल है जिसमें 2n 46 है, तो इसमें अब ये 2n क्या है? क्रोमोसोम की संख्या बताता है। क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? सिंपल सी बात है कि जो क्रोमेटिन है जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझे 2n 46 है, तो अगर आप इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल का बेस पेयर देखें तो 10^6.6 × 10^9 बेस पेयर, ये डीएनए का अमाउंट है।
अगर आप इसे चाहें तो यहां हटा दें, सीधे आप केवल लिखें कि ये डीएनए का अमाउंट है, ये देखिए, और इस सेल से ये जितना डीएनए है अगर ये मिल जाएगा तो ये क्रोमोसोम बनाएगा 2n/46। ये जो डीएनए है वो यहां पे है, क्रोमेटिन के अंदर पड़ा हुआ है, ये बात समझ रही है। तो जब क्रोमेटिन के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है तो इस डीएनए का क्या फ्यूचर है, क्या कैसे क्या कर रहा है? अगर आप इस डीएनए की लेंथ निकालें, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप इस डीएनए की लेंथ निकालें, इस डीएनए की लंबाई क्या होगी, लेंथ आप अगर आपको डीएनए निकालना है तो ये देखिए लेंथ आप डीएनए निकालना है तो आप ऐसे कर लीजिए 6.6 × 10^9 बेस पेयर, ये डीएनए के बेस पेयर है, बोलिए हाँ। फिर ये देखिए ये जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर से अगले बेस पेयर की दूरी है, बोलिए हाँ। और अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10^-10 मीटर लगा देंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डीएनए जो आता है इसकी लंबाई 2.2 मीटर आती है। मतलब आप समझें कि ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, बड़ी बात है, ये पॉइंट वाली बात है। और दूसरी बात सोचें कि अगर हम आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस बताएं तो आपको विश्वास नहीं होगा। अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको बता दें, साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर आपको बताएं तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी साइज 10^-6 मीटर है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसकी साइज 10^-6 मीटर है और उसके अंदर पड़ा हुआ डीएनए 2.2 मीटर का है। तो डीएनए बड़ा है, न्यूक्लियस बड़ा है, आप खुद ही देख लीजिए कौन बड़ा है, डीएनए बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा है। तो इसकी पैकेजिंग करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अगर आप इस हिस्टोन प्रोटीन की पूरी एनालिसिस करें, सीखें इसके बारे में, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, हम एक्स्ट्रा क्या सीखना है, हम सब कुछ यही तय कर लेते हैं। जब हम तय कर लेंगे तो कोई बवाल नहीं रहेगा। तो अगर आप हिस्टोन प्रोटीन देखें तो सबसे पहले इसके बारे में कमेंट करें कि सर देखिए हमको ज्यादा नहीं जानता है, हमको बस बेसिक बातें चाहिए, हमको ये बेसिक प्रोटीन है। दूसरी बात कहें इस पे चार्ज कैसा है, ये भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए कितनी सरल बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज है, दो बात हो गई। टाइप पूछे अगर कोई तो चार पांच टाइप है, H2A, H2B, H3, H4, H1। अगर आपसे पूछे इसमें कौन कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है तो रिच है, दो अमीनो एसिड है, एक का नाम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ARG, ARG का पूरा नाम है आर्जिनिन, और दूसरी अमीनो एसिड है जिसका नाम LYS रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है लाइसिन। ये दोनों जो अमीनो एसिड हैं ये बेसिक अमीनो एसिड है, पूरी एनसीईआरटी ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मतलब डीएनए को पैक करने के लिए देखिए क्या हुआ, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, डीएनए को पैक करने के लिए नेचर ने खास तरह के प्रोटीन को डेवलप किया जिस प्रोटीन का नेचर बेसिक प्रोटीन है। इस प्रोटीन पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके टाइप है H2A, H2B, H3, H4, H1, और इस पे दो हैं, आर्जिनिन है और लाइसिन है। आई आर्जिनिन है, ये लाइसिन है, ये दोनों आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड हैं, मतलब इनमें बेसिसिटी पाई जाती है। इस तरह से आप देखें तो अब आपको आपके सामने प्रॉब्लम क्या है पहले आप समझ लें। प्रॉब्लम यह है कि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर का है, मतलब आप समझे कि जितना बड़ा ये बोर्ड है इतना बड़ा डीएनए है, या जितना बड़ी UNKT इतना बड़ा डीएनए है। मतलब मैं जितना बड़ा हूं इतना बड़ा डीएनए है, मैं 2.2 मीटर के आसपास कहूंगा। और न्यूक्लियस कितना बड़ा है, उत्तू भर का है, छोटा सा। अब आप सोचिए आपको इतने बड़े आदमी को छोटे से न्यूक्लियस में ऐड कर सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या करें, हमको ऐसे आप डाल देंगे, काट के डालेंगे, सभी नहीं सकते, काट भी नहीं डाल सकते हैं। तो तरीका क्या है कि जो ये बड़ा सा धागा है डीएनए का, ये जो प्रेम का धागा है, ये जो मोहब्बत का धागा है, इस धागे को छोटा करना शुरू करें, क्वाइल करना शुरू करें, स्पिन कर दें। कौन कराएगा, हम कराएंगे, जी हम कराएंगे। और कौन कराएगा इस काम को करने के लिए, ये प्रोटीन जिम्मेदार है जिस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। क्या नाम है प्रोटीन का, नाम हिस्टोन प्रोटीन है। आइए देखते हैं आगे। प्रॉब्लम ये है कि डीएनए की लंबाई जो है 2.2 मीटर की मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको, और डीएनए जो है जो न्यूक्लियस की साइज 10^-6 मीटर की है। अब आपको करना क्या है कि जो बड़ा सा ये डीएनए है इसको स्पिन कराना है, छोटा करना है। तो छोटा करने के तरीके के पास आपके पास कौन सी प्रोटीन थी, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हिस्टोन प्रोटीन है, उसके पांच टाइप है, H2A, H2B, H3, H4, H1, ये सारी चीजें पढ़ाई आपको। एक मॉडल दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो दिया, इस मॉडल को प्रपोज किया, मतलब एक्सप्लेन किया प्रपोज्ड बाय। अगर इस मॉडल को देखा जाए किसने दिया, तो प्रपोज्ड बाय इस मॉडल को कोरिनबर्ग ने दिया था। कोरिनबर्ग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं,
लेकिन इस मॉडल को प्रूव किया, मतलब जब एक्सपेरिमेंटली जिस आदमी ने प्रूव किया उनका नाम outdate.et था, outdate.et.al, outdate.et.al का मतलब हुआ आउटडेट, और उनके मित्रों ने इस मॉडल को प्रूव किया। अब आपके पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसकी लंबाई 2.2 मीटर है और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप पढ़ाए मैंने आपको, 5 टाइप पढ़ाए, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, H1 है। तो ये लोग कहते हैं कि देखिए डीएनए की पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है, कहते हैं कि पहले कोर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। हमारा जो इतना बड़ा डीएनए है, ये जो डीएनए आप देख रहे हैं, ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है, ये डीएनए पैक होना शुरू होता है। कैसे पैक होता है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में एक फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे इन्होंने लिखा है कि भाई ये देखिए ये न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर है, या इन्होंने लिखा है कि ये हिस्टोन का ऑक्टामर है। आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, हिस्टोन का ऑक्टामर है। हिस्टोन का ऑक्टामर जो इन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो H2A है, ये जो H2B है, जो यहाँ पर H3 है, और जो ये H4 है, ये 2 टाइम्स है, इसलिए ऑक्टामर हो गया, बोलिए हाँ। फिर इसके बाद इन्होंने ऐसे एक फिगर बनाया है यहाँ पे, और अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, अगर आप मन की आंख से देख रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है भाई देखिए ये हमारा डीएनए है, और इन्होंने नीचे लिखा है कि भाई ये देखिए ये हमारा कोर न्यूक्लियोसोम है। तो इसका मतलब हमारे कोर न्यूक्लियोसोम में 2 चीजें हैं। कोर न्यूक्लियोसोम में कौन कौन सी 2 चीजें हैं, लिखना शुरू कर, सोचना नहीं, परेशान नहीं होना है, देखना है कि ये डीएनए और हिस्टोन का ऑक्टामर है। तो आप यहां लिखिए कि जो डीएनए है वो डीएनए है कितना, तो वो डीएनए 200 बेस पेयर है, आप मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, मतलब 200 बेस पेयर डीएनए के, जो 20 हेलिक्स डीएनए की, जो ये 20 हेलिक्स इतनी लंबी थी उसको क्वाइल कर दिया, और इसको क्वाइल करने में, राउंड करने में जो प्रोटीन में आई वो आई H2A, H2B, H3 और H4, ये प्रोटीन आई, इन लोगों ने मिलकर कोर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किया, मतलब डीएनए की बेस से 20 हेलिक्स जो लंबी हेलिक्स थी उसको ऐसे क्वाइल कर दिया, इस स्टोन के ऑक्टामर ने क्वाइल तो कर दिया, लेकिन जब ये क्वाइलिंग हो जाती है तो खतरा ये रहता है कि क्वाइलिंग खुल जाएगी। इस क्वाइलिंग को न खुले इसके लिए यहां पर आप देखिए एक खास तरह की प्रोटीन दिखाई गई है, आप एनसीईआरटी देखेंगे, इसका नाम H1 है। इस H1 को हम लोग सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, कौन सी प्रोटीन हिस्टोन कहते हैं, अगर आप इसे समझे तो इसे हम लोग सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लियोसोम को सील करती है। अगर आप इस H1 को फिर से जोड़ दें, मतलब H1 को भी जोड़ दें, तो इसका नाम न्यूक्लियोसोम हो जाता है, ये देखिए। तो मतलब अगर आपको न्यूक्लियोसोम लिखना हो कि कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, आप यहां देखें, अगर आपसे कोई पूछे कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, कोर न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम में क्या फर्क है, आप कहेंगे कुछ नहीं फर्क है यार, ऐसे कुछ नहीं करना, लिखना है कोर न्यूक्लियोसोम, या यहां लिख लीजिए कोर न्यूक्लियोसोम प्लस H1 सीलिंग स्टोन। तो अब होता है कि इससे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। अब आप देखिए कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा, कोर न्यूक्लियोसोम कौन बनाएगा, डीएनए का 200 बेस पेयर, हिस्टोन का ऑक्टामर। अब ये 6 न्यूक्लियोसोम, ये जो 6 न्यूक्लियोसोम है, ये सोलेनोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोलेनोसोम बनाते हैं, या इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, मतलब इस तरह के 6 न्यूक्लियोसोम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूक्लियोसोम मिलके एक सोलेनोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए ये सोलेनोसोम है, ये सोलेनोसोम है, और बेटा देखो जब ये सोलेनोसोम कंडेंस हो जाता है तो इससे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, यही क्रोमेटिन है जो आप यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में देखते हैं। ये देखिए ऐसे क्रोमेटिन आप देखते हैं, और आप लिखते हैं कि सर ये तो ये सेल है और ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और आप यहां लिखते हैं कि सर ये क्रोमेटिन है, तो आपको आप समझना पड़ेगा कि क्रोमेटिन का फॉर्मेशन किसने किया। क्रोमेटिन का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो सोलेनोसोम से क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, और बेटा क्रोमेटिन जब मेटाफेज के, मतलब सेल डिवीजन के मेटाफेज में कंडेंस होता है, मेटाफेज में कंडेंस हो जाता है बेटा, तो ये देखिए ये खूबसूरत क्रोमोसोम बनते हैं, लिख दीजिए सर यहां क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यहां बना दीजिए, ये देखिए
ये देखिए, तो अगर आपसे कोई इसका सीक्वेंस पूछे कि पहले किसका फॉर्मेशन होता है कोर न्यूक्लियोसोम का, फिर किसका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसोम का, फिर किसका फॉर्मेशन होता है सोलनोसोम का, फिर किसका होता है क्रोमेटिन का, फिर क्रोमोसोम का, ऐसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना हो यही बात तो हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि यार देखिए मेरे हिसाब से पहले कोर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर कोर न्यूक्लियोसोम से किसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे लिखते जाइए। सर जब इसमें न्यूक्लियोसोम H1 ऐड हो जाती है तो इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, लिख दीजिए। न्यूक्लियोसोम से किसका फॉर्मेशन होता है, लिख दीजिए सोलनोसोम का फॉर्मेशन होता है। सोलनोसोम से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमेटिन से जब किसका फॉर्मेशन होता है, लास्ट लिख दीजिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा कि यही जब क्रोमेटिन मेटाफेज में कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये है सिक्वेंस पैकेजिंग का, समझ लीजिए इस बात को। डीएनए का 200 बेस पेयर मतलब 20 हेलिक्स हिस्टोन के एक्टामर से जुड़ के कोर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करती है। इस कोर न्यूक्लियोसोम में ये जो किनारे है इसका नाम H1 प्रोटीन है, ये H1 अगले न्यूक्लियोसोम के H1 से जुड़ती है और उनके बीच में डीएनए होता है, उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। फिर जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है तो न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलनोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, सोलनोसोम के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ये जो क्रोमेटिन देखते हैं, इसमें जो क्रोमेटिन है इसमें जो है आपको क्या क्या मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, हिस्टोन मिलेगा, नॉन हिस्टोन मिलेगा। तो अब आप अगर आप इस बात को समझे कि कोई एक लंबी सी चीज है, एक 2 मीटर का डीएनए है जिसको इसे पैक किया जा रहा है, जैसे वो सेवई बनाते हैं, ऐसे समझिए आप। सेवई सेवई क्या करते हैं आप बताइए, एक मशीन में जो पीसते हैं तो वो ऐसे लंबा लंबा गिरती है, या उसको ऐसे से रोल कर देते हैं, तो क्या होगा, कोई लंबी सी चीज छोटी सी जगह पर सेट हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या थी, हमारे सामने समस्या थी कि न्यूक्लियस की साइज इतनी थी 10^-6 मीटर, जबकि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर थी। अब उस पैकेजिंग में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप समझें। इससे दो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ, पहली क्रोमेटिन जो बनी उसका नाम यू क्रोमेटिन था, पहली जो क्रोमेटिन बनी उसका नाम क्या था, यू क्रोमेटिन, और जो दूसरी क्रोमेटिन बनी उसका नाम था हेट्रोक्रोमेटिन। अब आप ये समझना शुरू करें, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये दो क्रोमेटिन है। तो ये क्रोमेटिन कहां से आ गए, ये कहां से बन गए, आप समझ रहे हैं ना कि डीएनए है उससे ये यहां साफ साफ दिख रहा है, कोर न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम बना, सोलनोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम बना। तो क्रोमेटिन में आप देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो यूक्रोमेटिन है इसमें जो हिस्टोन है एच इन नॉर्मल अमाउंट, यू क्रोमेटिन में जो हिस्टोन के अमाउंट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल अमाउंट में हिस्टोन है। लेकिन जो यहां पर हिस्टोन है हेट्रोक्रोमेटिन में हिस्टोन इज इन हाई अमाउंट, यहां पर जो हिस्टोन है वो ज्यादा अमाउंट में है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि इसकी पैकेजिंग ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा पैकेजिंग होगी, मतलब ये जो न्यूक्लियोसोम आप ये जो क्रोमेटिन देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें दो तरह के क्रोमेटिन है, एक वो क्रोमेटिन है जिसमें हिस्टोन ज्यादा है और एक वो क्रोमेटिन है जिसमें हिस्टोन नॉर्मल है। तो जिसमें नॉर्मल क्रोमेटिन है उसकी पैकेजिंग भी तो नॉर्मल पैकेजिंग होगी, कॉमन सेंस की बात है कि इसकी कैसी पैकेजिंग होगी, इसकी पैकेजिंग जो होगी वो नॉर्मल पैकेजिंग होगी, ये देखिए। लेकिन इसकी पैकेजिंग अगर बात किया जाए तो इसकी हाई पैकेजिंग होगी, इसकी पैकिंग हाई हो जाएगी क्योंकि यहां पर हिस्टोन का अमाउंट ज्यादा है, ये देखिए। बेटा डीएनए को स्टेन करने के लिए जिस डाई का इस्तेमाल करते हैं उस डाई का नाम है फ्यूजन डाई, ये एक फ्यूजन स्टेन है। अगर आप इसे सेल के अंदर डालते हैं और सेल में कहीं पर भी डीएनए है तो वो कलर देता है। अगर आप इस डाई का इस्तेमाल इस न्यूक्लियस पे करें, इस डाई का इस्तेमाल अगर आप न्यूक्लियस में करें तो ये जो एक क्रोमेटिन है ये आपको लाइट स्टेन देगी, लाइट स्टेन मतलब जहां पर लाइट स्टेन दिखाई पड़ेगा वो आपको यूक्रोमेटिन दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहां पर हिस्टोन ज्यादा है वहां पर आपको डार्क स्टेन दिखाई पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा हुआ है। तीसरी बात देखिए, ये जो यूक्रोमेटिन है इससे आरएनए बन सकता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये पूरे डीएनए का, इस पूरे क्रोमेटिन का, ये जो सेल के अंदर क्रोमेटिन इसका मात्र 2% है, लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है,
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, मतलब ये हुआ कि इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पूरे डीएनए का 98% ऐसा एरिया है जिसे कोई भी आरएनए नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? सामने कॉन्सेप्ट है, हिस्टोन का अमाउंट ज्यादा है। एक चीज आप और देखें, इसके जो जीन्स हैं, मतलब हेटरोक्रोमैटिन के जो जीन्स हैं, ये एक्टिव हैं। ये देखिए, मतलब जो आप पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जीन्स पाए जाते हैं, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं फलाटेमा का, वो हेटरोक्रोमैटिन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसके जीन्स देखें, यूक्रोमैटिन के जीन्स देखें, तो ये इनएक्टिव है। यूक्रोमैटिन के जो जीन्स हैं वो कैसे हैं? इनएक्टिव हैं। तो इस तरह से आपको हेटरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंस दिखाई पड़ता है। इन क्रोमैटिन का फॉर्मेशन कहां होता है? अभी भी आप फिर से समझ लें कि ये क्रोमैटिन जो बन रहा है वो डीएनए और हिस्टोन के प्रोटोमर से बन रहा है, और न्यूक्लियोसोम एचओन आ गया तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, फिर सोलनोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर क्रोमैटिन बनती है, फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो क्रोमैटिन है, इस क्रोमैटिन के फर्दर दो टाइप है, और उस टाइप को जो बखान करने वाला, जो एक्सप्लेन करने वाला है, उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। अगर हिस्टोन ज्यादा है तो उसे हेटरोक्रोमैटिन कहेंगे, और हिस्टोन कम है तो उसे यूक्रोमैटिन कहेंगे। इसमें कौन सा क्रोमैटिन आपको एक्सप्लेन करता है? वो यूक्रोमैटिन एक्सप्लेन करता है जिसमें हिस्टोन का अमाउंट ज्यादा है, नॉर्मल है, और जिससे एमआरएनए का या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपने लिखा है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है? एक्टिव है। ये बात आपको इस मेडिकल की टिकट एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। बेटा देखो, आज आप जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अभी 2020 में आप ये बात जानते हैं कि जेनेटिक डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, जीन्स लेके जाता है, करेक्टर्स, तमाम बातें आप जानते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, मूड खराब ही नहीं करना। हम आपको ये बात सिखाना चाहते हैं कि 1952 तक पूरी दुनिया को यही नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब फिर से मेरी बात सुने कि 1952 तक किसी को पता ही नहीं था डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, और उस समय पूरी दुनिया एक ही बात चिल्लाती थी, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए है या प्रोटीन है? अभी तो आप कहेंगे सर डीएनए है। हम आपको ले चलते हैं आज से लगभग 70 साल पहले, 1930 के आसपास ले चल सकते हैं, और वहां पर हमसे ग्रिफिथ की मुलाकात हुई। एक ग्रिफिथ साइंटिस्ट है, इनका नाम ग्रिफिथ है। ग्रिफिथ जो है साइंटिस्ट ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं ईयर क्लियर कर देता हूं, ईयर आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया, गलती नहीं करना है, रट लेना है। ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया ये पता करने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, समस्या क्या है पहले आप समझ लें कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी आप 2020 से मत सोचिए, आप क्या करते हैं तुरंत सोचने लगते हैं। उस समय की पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, लेकिन आज की दुनिया क्या मानने के लिए तैयार होगी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए? उस समय कोई नहीं मानता था। तो ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? आप पहले बैक्टीरिया का नाम देख लें। इस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था। यह एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। चिंता मत करिए, इससे निमोनिया होता है ह्यूमन को, या कभी कभी इसका कोई नाम लिख दे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तो आप परेशान मत होइएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम है इसका, कोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम है। तो अगर आपको कभी ऑप्शन मिले तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, तो ये सामने ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या था एक्सपेरिमेंट, आप ध्यान सुने। इस बैक्टीरिया को इन्होंने लिया और इस बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर प्लेट में डाल दिया। कल्चर प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। मतलब मान लीजिए कि ये कल्चर प्लेट है, ये कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में इन्होंने बैक्टीरिया को डाल दिया। जब इन्होंने बैक्टीरिया को यह कल्चर प्लेट में डाला तो इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन डेवलप हुए, मीटेन डेवलप हुए। एक को इन्होंने आर स्ट्रेन कहा, क्योंकि ये रफ स्ट्रेन था या ये रफ कॉलोनी दिखती थी। मतलब बैक्टीरिया की ये कॉलोनी उस कल्चर प्लेट में रफ दिखती थी, आर स्ट्रेन कहा।
दूसरे स्ट्रैंड को इन्होंने, ये देखिए एक दूसरी बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हुई जिसे इन्होंने स्मूथ कॉलोनी या सानी कॉलोनी कहा, यस स्ट्रेन कहा, यस स्ट्रेन कहा, या इसे इन्होंने सानी कॉलोनी कहा। सानी कॉलोनी मतलब वो कॉलोनी जो चिपक, मतलब जो चमक रही है। मतलब इस बैक्टीरिया के दो म्यूटेंट बने। बैक्टीरिया का नाम देख लीजिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन डेवलप हुए, एक यस स्ट्रेन डेवलप हुआ, एक आर स्ट्रेन डेवलप हुआ। यस स्ट्रेन को सालोनी कॉलोनी, सानी कॉलोनी कहते हैं क्योंकि चमक रहा था। आर स्ट्रेन जो था ये रफ कॉलोनी था, ये चमक नहीं रहा था। इसके चमकने का कारण ये था इस आर स्ट्रेन के, कि इस बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोट थी, म्यूकस की कोट थी इसके ऊपर, इस स्ट्रेन के ऊपर। लेकिन जो आर स्ट्रेन था, इस बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोट जो थी वो अब्सेंट थी। मतलब आप समझे इस बात को कि जिसके ऊपर म्यूकस की कोट अब्सेंट थी वो कॉलोनी रफ कॉलोनी दिखती थी, और जिसके ऊपर म्यूकस की कोट प्रेजेंट थी, मतलब ये जो यस स्ट्रेन है जिसके ऊपर म्यूकस की कोट प्रेजेंट थी, वो कॉलोनी हमको सानी कॉलोनी दिखती थी, चमकती थी इस कल्चर पेट में। इस तरह से एक दो कॉलोनी थी। मैं आपको बता दूं कि यह बैक्टीरिया था जो वायरुलेंट था। वायरुलेंट उसे कहते हैं जिससे निमोनिया हो सकता है। यह था जो नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट था मतलब इससे किसी को कोई भी निमोनिया नहीं हो सकता है। तो अब आपके सामने इस कल्चर प्लेट में, इस कल्चर प्लेट में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया यस स्ट्रेन का है और दूसरा बैक्टीरिया आर स्ट्रेन का है। तो यस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो साइनी कॉलोनी का है, जो कॉलोनी चमक रही है उसमें म्यूकस कोट है जो वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन है जो रफ कॉलोनी है जिसमें म्यूकस कोट अब्सेंट है और वो नॉन वायरुलेंट है। तो ये इस तरह से इन्होंने दो कॉलोनी डेवलप की। अब आप देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट कराया। अगर आप इनका एक्सपेरिमेंट देखें तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया, ये देखिए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, ये देखिए यस स्ट्रेन को लिया लाइव। लाइव मतलब उसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया। यहां से इन्होंने यस स्ट्रेन लिया, स्मूथ कॉलोनी वाले को या सानी कॉलोनी वाले को, और इसको इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। जब इन्होंने माइस के ऊपर इसको इंजेक्ट कर दिया तो ये देखिए माइस की डेथ हो गई, मतलब चूहिया की डेथ हो गई। ये देखिए क्यों चूहिया की डेथ हो गई, आप फिर से समझ लें कि ये एक्सपेरिमेंट है, कल्चर पेट में ये डाल रहे हैं बैक्टीरिया को, इसकी दो कॉलोनी डेवलप हो रही है, यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोट है इसलिए शाइनी कॉलोनी है, वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन के ऊपर म्यूकस की कोट नहीं है इसलिए ये नॉन वायरुलेंट है। तो यस स्ट्रेन को जब इन्होंने चूहिया के ऊपर इंजेक्ट किया, मतलब उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया, तो चूहिया की डेथ हो गई। अगर आपसे कोई पूछे क्यों डेथ हो गई तो आप कहेंगे सर उसको निमोनिया हो गया। कॉमन सेंस की बात है, जब चूहिया को निमोनिया हो जाएगा तो मरी जाएगी। हमें क्या करना है, पहले आप यहां देख लीजिए मोटी मोटी हेडिंग डालिए कि पता करना है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। अब चूहिया और बैक्टीरिया से हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे पता कर सकते हैं। फिर इन्होंने दूसरा काम किया, हमें मार्कर इसका पेन चेंज कर देता हूं, आप गलती नहीं करेंगे। इन्होंने आर स्ट्रेन लिया लाइव ही, मतलब उसके ऊपर इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आर स्ट्रेन लिया लाइव मतलब उस बैक्टीरिया को जिंदा लिया, जिंदा मतलब उस पर कोई एक्सपेरिमेंट अलग से नहीं किया, और फिर से इसको इंजेक्टेड इनटू माइस। आप एक्सपेरिमेंट देखे समझे इसको, इंजेक्टेड इनटू माइस। ये देखिए इस बार माइस लाइव रहे, मतलब चूहिया नहीं मरी। चूहिया क्यों जिंदा रही, क्योंकि इस चूहिया को नो निमोनिया, इसको कोई निमोनिया नहीं हुई। अब कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही सिंपल सेल की बात है कि एक चूहिया है, चूहिया तो वही रहेगी। एक बैक्टीरिया यस स्ट्रेन है जिससे चूहिया मर जा रही है, मतलब उसको निमोनिया हो रही है, और एक बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन का जो रफ कॉलोनी का बैक्टीरिया है, उसको चूहिया में इंजेक्ट कर रहे हैं, चूहिया नहीं मर रही है। मतलब मोटा मोटा अगर कहते यस स्ट्रेन से चूहिया मर जा रही है और आर स्ट्रेन से चूहिया नहीं मर रही है। आपने मूवी जुड़वा देखी होगी, उनकी सुनील शेट्टी की, तो उसमें दो लोग होते हैं, एक जो होता है वो होता है गुंडा, और एक जो होता है वो होता है बहुत ही डरपोक टाइप का होमगार्ड होता है। आपने मूवी में देखा होगा कि जो गुंडा था लोगों को मारता था, मतलब वो यस स्ट्रेन है, और जो डरपोक था वो आर स्ट्रेन था। लोग इससे डरते थे लेकिन इससे नहीं डरते थे, क्यों नहीं डरते थे, ये डरपोक था। अब अगर यहां पर इसका सेंस लेंगे तो इससे निमोनिया नहीं हो रही है, लेकिन इससे क्या हो रही है, निमोनिया हो रही है। अब इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने ये पहला एक्सपेरिमेंट कर दिया। एनसीईआरटी कहती है ग्रिफिथ वाज
Griffith was able to Griffith was able to Griffith was able to heat killed bacteria. Griffith ने क्या किया कि high temperature देके bacteria को kill कर दिया. Griffith was able to heat killed bacteria. मतलब हाई टेम्परेचर देके बैक्टीरिया को मारना चाह रहे थे. पहले आप देखिए दोनों बैक्टीरिया के नीचे लाइव लिखा है, मतलब वो जिंदा बैक्टीरिया थे, उनके ऊपर कोई भी टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया गया. आपको पता ना यार हाई टेम्परेचर देने बैक्टीरिया क्या होते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं. आप इसलिए तो हाई चीज टेम्परेचर में चीजों गर्माते हैं. तो अब ग्रिफिथ कर क्या रहा है आप समझे. ग्रिफिथ ने क्या किया समझे. ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया. देखिये आप समझे इस बात को कि ये देखिये इन्होंने यस स्ट्रेन लिया और इस यस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया. हीट किल्ड माने अगर आप मोटा मोटा समझें कि इस बैक्टीरिया को इन्होंने हाई टेम्परेचर देके मार दिया. अब अगर आप उस मूवी से समझना चाहें तो वो जो गुंडा था, जो श्यामू था, जो गुंडा था जिससे लोग मर जाते थे, जब वो मर जाएगा तब किसी मर पाएगा, नहीं मर पाएगा. जब इस स्ट्रेन को इन्होंने हीट कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, तो फिर से चूहिया के अंदर डाला, इंजेक्टेड इन टू माइस. अब बताइए जब वो व्यक्ति ही मर गया जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिससे पूरी कायनात डरती थी, तो आप बताइए किसी कोई डरेगा, नहीं डरेगा. आप सिंपल सा लिखिए कि माइस इस बार लाइव कर गई. माइस लाइव कर गई मतलब आप सोचिए माइस जो मर जाती थी. अब एक बार फिर से आप मार्कर का भी देख ले कि जब ये स्ट्रेन लाइव होता था चूहिया मर जाती थी, निमोनिया हो जाता था. लेकिन जब ये स्ट्रेन हीट किल्ड हो गया, मतलब हाई टेम्परेचर से स्ट्रेन को मार दिया गया, तो उससे चूहिया को इस बार निमोनिया नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब दिया गया तो इस स्ट्रेन के जो डीएनए के दोनों स्ट्रेन थे वो सेपरेट हो गए. मतलब ये स्ट्रेन ने अपने निमोनिया को काज करने के, डिजीज को काज करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया. जब उसने ऐसा कर लिया तो अब उसने एक बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया इस एक्सपेरिमेंट में. उसने क्या किया आप समझे इस बात को. उसने क्या किया कि ये स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया. आप समझे इस बात को. ये स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया. यस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया प्लस. अब आप यहां देखें, मैं सेम मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सेम पेन से लिख रहा हूं. ये देखिए उसने आर स्ट्रेन लाइव को ले लिया. मैं अगर आपसे पूछूं बेटा क्या इससे ये जो यस स्ट्रेन हीट किल्ड है इससे निमोनिया होगा चूहिया को, ऊपर देख लीजिए नहीं होगा. क्या आर स्ट्रेन लाइव से चूहिया की डेथ होगी, देख लीजिए नहीं होगी. लेकिन बड़ा ही मतलब आपको कैसे समझाऊं, जैसा आपको एलियन आने भी फील होती है, जैसे एलियन जब दुनिया में आते हैं तो आप आंख फाड़ के देखो बाप रे एलियन आया. तो जैसे एलियन आया वैसे ही एक अजीब तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर आया. मतलब आप महसूस करें इस खूबसूरत विषय को, आनंद लें इस सब्जेक्ट का, तो आप इसे महसूस करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा. तो आप देखिए इन दोनों को उसने इंजेक्ट किया, दोनों को मिला के इस बार उसने इंजेक्ट किया और इंजेक्ट कर दिया फिर से चूहिया के अंदर. मैं आपको एक बार याद करा दूं कि अगर आप नींद में हो तो आप जग जाएं, एक बहुत बड़ा ही रिजल्ट आने वाला है. आपको समझ में बात अगर आ रही होगी तो आप पक्का दिमाग खोल के सोचेंगे, दिल दिमाग दोनों खोलिए. यस स्ट्रेन हीट किल्ड से चूहिया नहीं मरती है, आर स्ट्रेन लाइव से चूहिया नहीं मरती है, लेकिन जब दोनों को मिला के चूहिया के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो माइस की डेथ हो जाती है. माइस की डेथ हो जाती है डाई ड्यू टू निमोनिया. आप मतलब आप कैसे सोच सकते हैं, हम आपको बताएं डाई ड्यू टू निमोनिया. आप एक बार फिर से इस बात को समझने का प्रयास करें कि यस स्ट्रेन हीट किल्ड से चूहिया नहीं मरती है, आर स्ट्रेन लाइव से चूहिया नहीं मरती है, लेकिन जब दोनों को मिला के चूहिया के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है तो चूहिया की डेथ हो जाती है, माइस की डेथ हो जाती है. आपके मन में आएगा कि आखिर लाइव कौन है, पहले आप देख रहे आर स्ट्रेन है, हीट किल्ड कौन है, यस स्ट्रेन है. अगर आप उस मूवी को महसूस करें, मूवी की याद करें, तो जब लास्ट में होमगार्ड जो था, जो डरपोक था और जो मरा हुआ था, मरे हुए की आत्मा डरपोक वाले की आत्मा में आई, फिर उसने लोगों को वो धोया कि गाना चला कि हाय हुप हाय हुप हाय हाय. इसी तरह से यहां पे आप देखें, कॉन्सेप्ट समझें, अपनी निगाहों को टिका के रखें. आप स्टूडेंट हैं, इस बात को समझना है आपको. इसका मतलब ये हुआ कि इस यस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को कुछ तो दिया. यस स्ट्रेन आर स्ट्रेन, क्योंकि लाइफ तो यह है, ये तो है नहीं, इससे तो चूहिया मरेगी नहीं, तो इस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को कुछ तो दिया. क्या दिया, जब लोगों ने पूछा क्या दिया तो मेंडल ने कहा कि जो दिया वो ट्रांसफार्मेंट है. क्या है, ट्रांसफार्मेंट है. आप समझे इस बात को
कि इस यस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को जो भी दिया, जब उनसे ग्रिफिथ से पूछा गया कि आखिर क्या दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मेंट है। यहां से यहां कुछ तो आया, इस मरे हुए यस स्ट्रेन से जिंदा आर स्ट्रेन में कुछ तो आया, जिसके कारण आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में ट्रांसफार्मेंट हो गया और आर स्ट्रेन ने बिहेवियर शुरू किया यस स्ट्रेन जैसा। लोगों ने पूछा क्या आया, तीनों कहा कि ट्रांसफार्मेंट आया। लोगों ने कहा प्रोटीन आई, डीएनए आया, आरएनए आया, क्या आया? तीनों ने कहा कि देखिए साफ साफ इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में, बायोकेमिकल नेचर के बारे में, ये जो ट्रांसफार्मेंट है इसके बायोकेमिकल के नेचर के बारे में ग्रिफिथ वा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इस एक्सपेरिमेंट का निगेटिव है। फिर समझ ले, एक कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं बैक्टीरिया की, यस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे हैं माइस में, चूहिया मर जा रही है निमोनिया कारण। आर स्ट्रेन को जिंदा इंजेक्ट कर रहे हैं, चूहिया जिंदा है, मतलब आर स्ट्रेन से चूहिया नहीं मर रही है, यस स्ट्रेन से मर जा रही है। फिर यस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे किल कर दे रहे हैं, फिर से चूहिया इंजेक्ट कर रहे हैं तो चूहिया जिंदा हो गई, क्योंकि बैक्टीरिया मर गया तो चूहिया निमोनिया कहां से होगा। फिर उन्होंने ये काम किया कि यस स्ट्रेन मरे हुए, आर स्ट्रेन जिंदा, इन दोनों से चूहिया नहीं मरती है, लेकिन दोनों को इंजेक्ट कर दिया तो चूहिया मर गई, तो चूहिया क्यों मरी? इसका मतलब हुआ कि इस यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ तो ट्रांसफर हुआ और उस यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ जिसके कारण आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन जैसा बिहेव कर रहा है। तो लोगों ने पूछा कि इस यस मरे हुए यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या ट्रांसफर हुआ, तो ग्रिफिथ ने कहा यह ट्रांसफार्मेंट है। लोगों ने पूछा डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्या? कहा मुझे कुछ नहीं पता है, तुम ढूंढो, तुम ढूंढो। तो लोगों ने इसे बायोकेमिकल के नेचर के बारे में पता किया कि यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आया, तो ग्रिफिथ इस ट्रांसफार्मेंट के बायोकेमिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए।